इस वक्त की बड़ी खबर आ रही इंदौर से, जहां छात्रा की परिजनों ने कोचिंग टीचर का ना सिर्फ जमकर पीटा बल्कि उसे नंगा कर पीटते पीटते थाने ले गए हैं और पुलिस के हवाले कर दिया। जी हां, बताया जा रहा है कि टीचर ने छात्रा से छेड़छाड़ की थी और जिसकी छात्रा ने अपने परिजनों को शिकायत की, जिस पर परिजन ने बीच सड़क पर टीचर की जमकर धुनाई कर दी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर रिपोर्टर हार्दिक प्रजापत। हार्दिक, क्या है पूरा मामला आखिर, और मामले में जो सीसीजी के जो कोचिंग के जो टीचर है उनको इतनी बहरहमी से क्यों पीटा गया है? जी बिल्कुल, यह पूरा मामला इंदौर के तुकुगन थाना क्षेत्र का है, जहां गीता भवन पे एक निजी कोचिंग क्लास में नीट की तैयारी करने आई एक छात्रा के साथ टीचर द्वारा लगातार छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। लड़की नाबालिग थी, जहाँ टीचर जो है वो बेड टच कर रहा था, जिसके बाद यह नाबालिग युवती ने यह बात अपने परिवार वालों ने टीचर के जमकर मारपीट की और उसे नंग अवस्था में करके और थाने के सुपुर्द किया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करेगी और आरोपी को फिलहाल अभी आरोपी को हिरासत में लिया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। जी हार्दिक, क्या नाम कोचिंग का बताया जा रहा है? जी यहाँ कोचिंग एक की गीता भवन चौराहे पर एक कोचिंग है। अभी कोचिंग का फिलहाल इस प्रकार के कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन आरोपी से कड़ी पूछताछ करने जा रही है। पूछताछ में कई और भी कई खुलासा होने की संभावना, जिसके बाद पूछताछ के बाद आरोपी से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। जी हार्दिक, बताया जा रहा है कि छेड़खानी के चलते शिक्षक को पीटा है, तो बच्चों को शिक्षक बच्चों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और उसी के राज में आप ये देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होते हैं कि एक परिवार के जहाँ एक नाबालिग लड़की अपने विश्वास करके एक टीचर के साथ पढ़ाई करने जा रही थी, लेकिन टीचर ही अगर इस प्रकार की हरकत कर रहा हो तो कहीं ना कहीं सवाल जवाब खड़े होते हैं। फिलहाल इस पूरे ही मामले में एक परिवार वालों ने टीचर के साथ जमकर मारपीट की है और उसे नंगा करके उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वायरल करने के बाद उसे थाने के सुपुर्द किया है। वहीं पुलिस अब पूरे ही मामले की जांच करने में जुटी है। जी हार्दिक, लड़की के इस पर क्या बयान निकल कर आ रहे हैं, क्या कोई फिलहाल नाबालिग लड़की और नाबालिग लड़की से अभी किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की गई है। लड़की को लड़की के परिवार वाले यहाँ इंदौर पहुंचेंगे, वह लड़की खरगोन की रहने वाली है और लड़की के परिवार वाले जब यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद ही मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा और फिलहाल अभी लड़की से किसी प्रकार से कोई बात नहीं हो पाई है। जी हार्दिक, क्या पहले भी छात्रा से छेड़खानी की खबर आ चुकी है? जी बिल्कुल, यहाँ पहली शिकायत है और पुलिस का कहना है कि अगर इस प्रकार की टीचर ने अगर लगातार कई और अन्य नाबालिग लड़की के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ की गई होगी तो लड़के के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अब क्या कार्रवाई इस पर पुलिस कर रही है? फिलहाल अभी लड़की के परिवार नाबालिग लड़की के परिवार वाले यहाँ पर खरगोन के रहने वाले और वहाँ इंदौर सब पहुंचेंगे, जिसके बाद ही विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। जी जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी आपको बता दें, बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर छात्रा के परिजनों ने कोचिंग टीचर को ना सिर्फ जमकर पीटा बल्कि उसे नंगा कर पीटते पीटते थाने ले गए हैं। जी आपको बता दें, कोचिंग टीचर को नंगा कर पीटा गया है, परिजन टीचर को पीटते पीटते थाने ले गए और टीचर को तुकुगंज पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप है, छात्रा के परिजनों ने टीचर को जमकर पीटा।